चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि हाय सर हाय जय भीम सर सर जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय सर सभी भाई बहनों का मेरा साधुवाद अभिनंदन समर्थन की तरफ से एक सवाल अक्सर आता है कि दूसरे संस्थाओं में से हमारे समर संघ में फर्क क्या है तो मैं जो मैंने सीखा है समर संघ से सबसे पहले बता दूं कि मैं छोटे से गांव से उन्नाव जिले में जाजनपुर से बिलोंग करता हूं और अभी मैं बड़ोदरा में सेटल हूं भारतीय वायुसेना से रिटायर होने के बाद और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बड़ोदरा गुजरात में। इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है सर नीति और नियति का। नीति और नियति में सबसे बड़ा फर्क है दूसरे संस्थाओं में और हमारी इस संस्था में। ये संस्था जब से बनी है पिछले 5 मई से जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है इससे पता चलता है कि लोग इसको कितने अच्छे तरह से रिसीव कर रहे हैं। समर संघ अन्य संगठन से अलग क्यों है क्योंकि हमारा समर संघ का जो बेस है वो नेता वो हमारा भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान का पूरा बेस हमारा धम्म है। धम्म को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान समझ आएगा संविधान पढ़ेंगे तो धम्म समझ आएगा क्या है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी आती है इसमें सर कि जो धम्म में हमारा हमारा समर संघ में यह है कि समर संघ सबसे बड़ी चीज की धर्म में हमारा संविधान हमारा नेता है और संविधान हमारे समर संघ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है और समर संघ का नेता सिर्फ समर संघ ही है। और ये सबसे बड़ी चीज इसमें सर मैं बताना चाहता हूँ कि इसको जो सवाल याद है सबसे बड़ा कि जुड़ेंगे कैसे लोग कैसे जुड़ेंगे तो जुड़ने में जो समस्या आती है उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर मैं। छोटे बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है उसको क सिखाने के लिए सिर्फ जीरो बनाने के लिए कितने समय लगता है सिखाने के लिए तब वो क बना पाता है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि जो लोग समर संघ में ज्वाइन करते हैं कभी एक दिन या दो दिन ज्वाइन करके या 4-5 दिन ज्वाइन करने के बाद कई सारे सवाल करते हैं तो मेरा गुजारिश है जो समर संघ से मैंने सीखा है कि इसके लिए सीखना पड़ेगा। आप अगर 8-10 दिन लगातार जुड़ेंगे तो समझ पाएंगे समर संघ कैसे काम करता है। समर संघ की जानकारी मेरा मानना है कि देते रहिए लोगों को और समर संघ एक मैं उदाहरण दूंगा आपको कि मैं जब से ज्वाइन किया पिछले 7-8 महीनों से लोगों को लिंक भेजता रहा लोग जानकारी देता रहा। एक हमारे कलीग हैं जिन्होंने कई महीने के बाद मैंने देखा उनको कई बार कहने के बाद भी अचानक उन्होंने अपने आप देखा पोर्टल पे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं तो ये अनुभव कहता है कि आप अपना काम करते रहिए। जैसे किसान जो है खेतों में अपनी फसल बोता रहता है उसमें से कई बीज हमारी चिड़िया पक्षी खा जाते हैं और कुछ उगते हैं तो अपना काम समर संघ का बताने करते रहिए लिंक भेजते रहिए लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। एक और आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें समर संघ में केवल एक ही काम है सीखना और सिखाना। समर संघ में ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या कहना है वो सीखना है क्या नहीं कहना है वो सीखना है और क्या सिखाना है वो सीखना है क्या नहीं सिखाना है वो सीखना है यानी कि सीखने और सिखाने का ही काम है इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी जिंदगी में जो 45 साल जब लोगों को बताया इस समस्याओं का हल क्या है उसके पहले उन्होंने पिछले 5 से 6 साल में जिंदगी के जानने में कोशिश की कि परेशानियां क्यों होती हैं दुख क्यों होता है तकलीफें क्यों होती है उसका हल जानने के लिए उन्हें काफी तकलीफों के बाद वो समस्या का हल जब उन्हें इनलाइटमेंट मिला तब वो सीख पाए। उसी तरीके से बाबा साहब ने सबको पता है कि कितनी तकलीफों से बचपन से पूरी जिंदगी उन्होंने निकाली और कितनी डिग्रियां कितनी पढ़ाई करने के बावजूद जब उन्होंने जब तब जाके लोग उनको सुनते थे यानी विवेक और ज्ञान का उदाहरण बाबा साहब का है। लोग सुनेंगे ऐसे ही आप भी
आपको समय देना पड़ेगा, समर संघ में समय देना पड़ेगा, आपको समर संघ जुड़कर सीखना पड़ेगा, आपको हमारे महापुरुषों की किताबें पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम्पल दूंगा सबसे बढ़िया कि बुद्ध का जो उनके बहुत सारी बातें हैं, जैसे अंगुलिमाल का डाकू था और किस तरह तथागत गौतम बुद्ध ने टैकल किया और इतने बड़े डाकू को कैसे उन्होंने समझा के और वो उनको अरहंत बनाया। सेम बाबा साहब याद देखिए, जब जो समस्याएं थी, चाहे अपना अपना महान आंदोलन था, कई सारे उनके उदाहरण हैं, उन्होंने कितने आसानी से समस्याओं को टैकल किया। और संत कबीर की अगर बात करें तो उन्होंने तो वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिकता की बात बताई और बाबा साहब ने बाहर की दुनिया का नॉलेज, जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करके और उसका सोल्यूशन कैसे लेना है उसके बारे में बताया। लेकिन कभी कभी लोग कहेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग वही आगे इसको बता सकते हैं या कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संत कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बावजूद उनकी कितनी सारी बातें जो सब लोग को कहते हैं ना, ढगले और पगले हर समय काम आती, उनके एक वाक्य है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। कितनी छोटी सी बात क्या बहुत बड़ी बात कह गया वो, कि यानी अगर पूत हमारा सपूत है, समझदार है, उसको संस्कार अच्छा दे दिया तो उसको धन देने की जाने की जरूरत नहीं है, और लेकिन पूत अगर कपूत है तो भी धन देने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा। तो इस तरीके से हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है सच्चाई पे है, उन्होंने जो बताई कि समस्याएं क्यों होती है, समस्याओं का हल कैसे निकालेगा, बड़े आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की। इसी तरीके से समर संघ, एक कहते हैं ना, एक हमारा समर संघ कमल के फूल की तरह है, समर संघ समुद्र के वो उस पानी की तरह, जैसे समर कमल जो है पानी में खिलता है, पानी में खिलता है, लेकिन कमल पानी में केवल खिलता ही नहीं है, वो कमल में पानी, कमल फूल खिलता ही नहीं है, कमल जब खिलता है पानी में तो तालाब का पानी भी खिल जाता है, साथ ही वहां का पूरा वातावरण खिल जाता है। उसी तरीके से आप जुड़ेंगे समर संघ भाई बहनों से, कहता हूँ जुड़ेंगे और सीखेंगे और इसकी जानकारी लेंगे तो आप बिल्कुल कमल के फूल की तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे और लोग आपके सुनेंगे। और जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने अपने आचरण पर काम किया है, जितने भी महापुरुष हमारे हुए सबने आचरण पर काम किया है, सच्चाई पर काम किया है, ईमानदारी पर काम किया है, आप अपने आप को बदलें, अपने आप सीखते रहिए और काम करते रहिए, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इंसान इंसान जो है प्रकृति का, कुदरत का एक चहेता जीव है, किसी को भी कहते किसी को भी मौका दिया जाए, रास्ता बताया जाए, उसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से मैंने जो सीखा है कि समर संघ में कहता है आप आए समर संघ में, यहाँ आपको हर रोज प्रोग्राम चलता है, यहाँ से आप सीख सकते हैं, जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आपको बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अलग अलग विषय पर अलग अलग हमारे जो प्रवक्ता आते हैं वो जानकारियां अलग अलग विषय पर देते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प, इसलिए आप हमेशा डायरी पेन रखें और जो चीज अच्छी लगती है, सही लगती है, वो अपने नोट कर लें, वो आपको काफी काफी आपको हेल्प करेगी। साथ में हमारे जो प्रवक्ता हैं, जिसमें हमारे सीनियर रमेश काटके जी हैं, सुधीर राज जी हैं, डॉक्टर यूवी सिंह जी हैं और कई हमारी महिलाएं, डॉक्टर कंचन लता मैम, मनीषा मैम, इन्होंने हमेशा लोगों आकर के कितनी बढ़िया बढ़िया जानकारी देते हैं, इसलिए अगर आप रोज जुड़ेंगे तो आपको नई नई जानकारी मिलेंगी और आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, उस टूल्स के माध्यम से आप लोगों को टैकल करने में आसानी होगी और आप समर संघ क्या है, समर संघ कैसे काम कर रहा है, सारी बातें आप बता पाएंगे। इसको समर संघ की जब जानकारी आपके पास होंगी, इनके सारे टूल्स होंगे, तो आप बिल्कुल, मैं तो यही आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के चाहे कोर्ट के मामले हो, जैसे विवाद विवाद बाद बाद के झगड़े के मामले होते हैं, या अस्पतालों में मामले आते हैं जो हमारे बीमार मरीज मरीज होते हैं, या चाहे निर्माण कार्य हो, व्यापार कार्य हो, हर काम में अगर आप समर संघ में ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो आपको हर जगह बेहतरी के लिए काम करने में मौका मिलेगा और हर जगह वो टूल्स आपको मदद करेगा। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बताना चाहूंगा कि समर संघ जुड़ेंगे, सीखेंगे तो किस तरह आपको मदद मिलेगी। एक बार एक आदमी एक बहुत बड़ा कोई कंपनी ने बहुत एक कार बनाई और वो कार क्या हुआ, बनाने के बाद जैसे ही मार्केट में लेके आए शोरूम में, तो बाहर उन्होंने प्रदर्शन रखा तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उसी समय बहुत सारे इंजीनियर्स ने बहुत ट्राई किया कि इस कार को हम स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाए, और आखिरकार वहां पर एक मैकेनिक जो आसपास के लोकल
गाड़ियां ठीक कर रहा था, वो वहां खड़ा हुआ था, तो उसको पता चला कि यहाँ ये कार ठीक नहीं हो रही, चल नहीं पा रही है। तो उसने कहा भाई ऐसा है कि हमें मौका दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। तो वहाँ जो बड़े इंजीनियर सभी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई हमने कार बनाई है और हम लोग क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, लेकिन हमने सारा ट्राई कर लिया, इसकी क्या प्रॉब्लम है डायग्नोस नहीं कर पा रहे, आप क्या कर सकते हो, आप तो बिल्कुल लोकल मैकेनिक हो। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें मौका दीजिए, हम ट्राई करके देखते हैं। वो आदमी नीचे गया गाड़ी के नीचे और थोड़ी देर के बाद निकल के आ गया बाहर। उसने कहा जरा स्टार्ट करिए, और जैसे स्टार्ट किया पहले किम गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो कहानी ये कहना चाहती है कि सवाल नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी या बहुत ही काबिल आदमी ही चीजों को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। हुआ क्या, उस आदमी ने, वो आदमी के पास इतना अनुभव था, प्रैक्टिकल इतना अनुभव था कि वो जाकर के नीचे देखा कहाँ प्रॉब्लम है गाड़ी में, और उसने वहां पे वो हथौड़े से टैप कर दिया, केवल जहां पे प्रॉब्लम थी, जहां पे तकलीफ थी वहां पे टैप कर दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये जो क्या है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, आपको केवल समर्थन में रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे, हमारे हमारे जो प्रवक्ता उनको सुनेंगे, कई सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, फिर आपको जो नए लोग जिनसे बात करेंगे उनसे जब बात करेंगे आप, तो पता चलेगा कहाँ हमें टैप करना है, आपको क्या बोलना है, तो वो उससे जो है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जो कंसेप्ट है कि जुड़ना और जोड़ना, जैसा कि हमारे हमारे प्रवक्ता हमेशा कहते हैं जोड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जल्दी जोड़ेंगे उतना जल्दी जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जैसा कि कई कई एग्जाम्पल हैं 2 अप्रैल 2018 का है कि जब एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर दिया गया और कोई भी नेता आया, बड़े कोई भी लोग नहीं आया, लेकिन आम आदमी इकट्ठा होकर के जनता मंदिर पे इकट्ठा हुए और वो वापस एट्रोसिटी एक्ट गवर्नमेंट को मानना पड़ा और लागू किया। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके आओ, हम सब लोग जुड़े, जुड़ करके और समर संघ को से सीखें और सीख करके वो टूल्स लेकर के समाज में काम करें, क्योंकि काम करना ही मेन है। अगर हम काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे, काम नहीं करेंगे तो काम ही हमारा मेन है। तो हम सीखें और काम करें, और इनमें इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने हमें मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
साधु।